नमस्कार दोस्तों, जब भी आप 2S यानी कि सेकंड सीटिंग कोच का रिजर्वेशन करते हो, चाहे आप ऑनलाइन करो या फिर आप रेलवे काउंटर से करो, उस टिकट में आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि सेकंड सीटिंग कोच में ना तो मिडिल बर्थ होता है और ना ही अपर बर्थ होता है, तो हमको बैठना कहाँ है? इवन हमको जो सीट नंबर मिला हुआ है उस सीट में तो कोई और पर्सन पहले से बैठा हुआ है, तो हमको कैसे उसको उठाना है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको किसी को भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सेकेंड सीटिंग कोच होता है उसमें आपको टू टाइप की सीट देखने को मिलेगी, पहला विंडो सीट और दूसरा जो लोअर सीट। लोअर सीट मतलब एक ही सीट लंबी वाली होती है जिस पर चार लोग आराम से बैठ के जाते हैं। अगर आपको विंडो सीट मिली है तो ये सिंगल सीट होती है, इस पे एक ही पर्सन बैठ सकता है जिसकी वो सीट है। और अगर इसके अलावा अगर आपको लंबी वाली सीट मिलती है तो इसमें आपको चार लोग मैनेज करके जाना पड़ता है। आप यहाँ पर नंबर भी देख सकते हो, इस फोटो में 22, 23, 24 और 25, मतलब इस सीट में चार लोग मैनेज करके जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो ऊपर की तरफ सीट देखने को मिल रही है तो इस पर कौन बैठेगा? क्या वो खाली जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चारों में से कोई भी एक या फिर दो जन ऊपर जाके आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की ये आदत होती है, ये हैबिट होती है कि वो लोग बैठ के कम ट्रेवल करते हैं और लेट के ज़्यादा ट्रेवल करते हैं। तो आपकी जो चारों एक साथ में है, आप एक से दो जन ऊपर जाके आराम से बैठ सकते हैं, ये आपकी ही सीट है, कोई मना नहीं करेगा। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया है ये मैंने जबलपुर टू सोमनाथ एक्सप्रेस सेकेंड सीटिंग कोच का दिया है। अगर आपकी ट्रेन अलग है या फिर लोकल ट्रेन है तो उसका जो सेकेंड सीटिंग का कोच होता है उसका सीट काउंट अलग हो सकता है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपना PNR नंबर या फिर अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।